हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको हमें फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस किए जाते हैं। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें पराई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन टाइम डायलेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने वाले हैं। टाइम डायलेशन क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टाइम डायलेशन क्या होता है। तो यदि कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के नियर वेलोसिटी से मूव करता है तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो टाइम होता है वो एब्सोल्यूट ना होकर के रिलेटिव होता है और अपन को टाइम में डिले देखने को मिलता है, जिसे अपन टाइम डायलेशन के रूप में जानते हैं, जिसका फॉर्मूला अपन लास्ट वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। देखिए तो अपन न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, इन द लेबोरेटरी फ्रेम द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद स्पीड 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज फाउंड टू बी 2.5 × 10⁻¹ सेकेंड। कैलकुलेट दी प्रॉपर लाइफ टाइम। तो अपन को यहाँ पे अपेरेंट लाइफ टाइम दे रखा है इसने 2.5 × 10⁻¹ सेकेंड। वेलोसिटी दे रखी है अपन को प्रॉपर लाइफ टाइम, वो पूछ रहा है। तो अपन को सिंपली बस यहाँ पे टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज टो नॉट इज इक्वल टू टो अप √1 − v² / c²। टो की वैल्यू रख दीजिए, वी की वैल्यू रख दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे जो टो नॉट की वैल्यू निकल कर आएगी 1.23 × 10⁻¹ सेकेंड, जिसका प्रॉपर लाइफ टाइम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर टाइम है वो अपेरेंट टाइम से क्या है, लेस है, क्योंकि अपन टाइम डायलेशन में प्रॉपर टाइम के रेस्पेक्ट में अपेरेंट टाइम देखते हैं। तो जो अपेरेंट टाइम होता है वो प्रॉपर टाइम से ज़्यादा आता है, उसमें अपन को डिले देखने को मिलता है। पर लेकिन यहाँ पे अपेरेंट लाइफ टाइम दे रखा है, वो प्रॉपर पूछ रहा है, तो प्रॉपर लाइफ टाइम तो क्या आएगा, थोड़ा कम ही आएगा। मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अ क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम व्हेन व्हाट विद व्हाट स्पीड शुड इट ट्रेवल रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सो दैट इट अपीयर्स 1 मिनट स्लो इन 24 आवर्स। एक क्लॉक जो करेक्ट समय बताती है किस स्पीड से वो मूव करें रिलेटिव टू एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव में, वो किस स्पीड से मूव करे कि जो क्लॉक है वो 1 मिनट स्लोअर अपीयर आए। तो टाइम मेजर बाय क्लॉक 24 × 60 मिनट होगा, ठीक है ना। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 24 × 60 मतलब अपने पास एक दिन के टोटल मिनट्स आ जाएंगे। फिर अपन को फाइंड आउट करना है कि जो क्लॉक है वो कितनी 1 मिनट स्लो अपन को अपीयर हो रही है, तो उस टाइम पर कितने मिनट होंगे। तो जो टोन आउट होगा वो 24 × 60 − 1 मिनट यहाँ पे होगा। अपन को इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज टो इज इक्वल टू टो नॉट अपॉन 1 − v² / c² वी बाय सी की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वो आएगी 1 − tonot/tow का होल स्क्वायर। टो नॉट की वैल्यू रख दीजिए, टो की वैल्यू रख दीजिए। जब आप सोल्व करेंगे तो वी बाय सी की जो वैल्यू है वो 0.11788 यहाँ पे निकल कर आएगी। तो जो वी की वैल्यू है वो 0.11788 × c आप जब करेंगे, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है जैसा कि आपको पता है। तो जो वी की वैल्यू है वो 0.35 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगी। आप इसको खुद से सोल्व करिएगा और आंसर को वेरीफाई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अपन को बता रखा है मीन लाइफ ऑफ म्यू मेसोन्स इज 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड। तो मीन लाइफ दे रखी है मेसोन्स की अपन को। वॉट वुड बी इट्स मीन लाइफ वेन इट एंटर्स दी अर्थ एटमोसफेयर। उसकी मीन लाइफ क्या होगी जब वो अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करेगा। अभी तो रेस्ट में है, लेकिन यदि वो मूव करे और अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करे 0.98 c की स्पीड से, उस टाइम पर इसकी अपेरेंट मीन लाइफ क्या होगी। और एक और चीज़ पूछ रहा है कि यदि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। क्योंकि मेसोन्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल है, तो इसका डीके हो जाएगा कितनी डिस्टेंस के बाद, वो अपन से फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो प्रॉपर मीन लाइफ ऑफ म्यू मेसोन्स की अपन को दे रखी है 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड। अपेरेंट निकालने के लिए अपन को सिर्फ टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो ऑब्जर्व मीन लाइफ जो होगी वो टो इज इक्वल टू टो नॉट अपॉन 1 − v² / c². तो टो की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। टो नॉट दे रखा था 2.2 × 10⁻⁶, वी की वैल्यू दे रखिए 0.98 c, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 − 0.98 का स्क्वायर आपको माइनस करना, फिर उसका रूट लेना है। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2.2 × 10⁻⁶ × 5। तो जिसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 11 × 10⁻⁶ सेकेंड। ये इसका अपेरेंट लाइफ टाइम यहाँ पर निकल कर आएगा। अब वो पूछ रहा है कि इस अपेरेंट लाइफ टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा डीके होने से पहले। तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम करना है। वेलोसिटी अपने पास 0.98 c थी, तो 0.98 c की वैल्यू रख दी 3 × 10⁸, और जो अपनी अपने पास लाइफ टाइम निकल कर आया है 11 × 10⁻⁶। और जो डी की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 3.23 किलोमीटर। मतलब इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। और न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। लेबोरेटरी मेजरमेंट शोज दैट द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल इज 2 × 10⁻⁶ सेकेंड व्हेन इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.8 c। तो 0.8 c से यदि वो मूव करता है तो उसका हाफ लाइफ इतना होता है, यदि वो 0.9 c से मूव करे तो उसका लाइफ टाइम कितना होगा, अपन को वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्म टाइम डायलेशन फॉर्मूला अपने पास टी की वैल्यू क्या होती है, टी नॉट अपॉन 1 − v² / c² टी बोलिए या टो नॉट बोलिए, बात एक ही है। इन फर्स्ट जब टी अपन को दे रखा है 2
इंटू 10 to the power 6 सेकेंड्स और 0.8 सी। अपने को अपेरेंट लाइफ टाइम देखा था, अपन को यहाँ पे प्रॉपर लाइफ टाइम निकालना है पहले। तो प्रॉपर के लिए अपन टी नोट इज इक्वल टू टी अपॉन अनरूट 1 - v² सी स्क्वायर। जहाँ से यहाँ से आप टी नोट निकालेंगे तो ये जो टर्म है अनरूट 1 - v² सी स्क्वायर ये उधर चल जाएगी। ठीक है, तो आप टी के लिए रख दीजिए, वी के लिए रख दीजिए, 1 - 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आएगा, 0.36 का रूट 0.6 आएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रॉपर लाइफ टाइम है 1.2 × 10⁻⁶ सेकेंड यहाँ पर निकल कर आएगा। इस प्रॉपर लाइफ टाइम को अपन को सेकंड केस में यूज़ करना है जब वेलोसिटी 0.9 सी हो जाए। तो प्रॉपर लाइफ टाइम अपने रख दिया टो नोट और वेलोसिटी की वैल्यू रख दिया अपने 0.9 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो टी की वैल्यू है वो 0.2.75 × 10⁻⁶ सेकेंड यहाँ पर निकल कर आएगी। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, सिंपल से न्यूमेरिकल है। सिर्फ अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, टी बराबर टो नोट अपन अंडर रूट 1 - v² / 100² स्क्वायर। यदि आपने टाइम रिलेशन नहीं पढ़ रखा है तो आप प्लीज़ उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को करिएगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में जरूर आएंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।